देखेंगे इसका जो डिस्टेंस है 6.6 किलोमीटर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये आगे है और मैं बॉल पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्या अड़चन है। आगे जो देख रहे हो मैन मेड आइलैंड बनाया है उन्होंने, थोड़ा ज्यादा ही वॉकिंग लगा है, वहाँ मुड़ना है राइट साइड में मरीना मॉल के लिए। और जो आगे आप देख रहे हैं ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जबरदस्त वाला। इसको देखने के लिए हम इतना देर से चलने का भाग दौड़ी चल रहा था, तो इंटरनेशनल वारंटी की सब बहुत महंगा बैठ रहा है, 5899 जो इंटरनेशनल प्राइस बड़ी है वो 4799 इंटरनेशनल वारंटी के लिए, ये फिर 799 जोड़ रहा है, यानी कि फोन का प्राइस अभी पड़ रहा है 5500। उल्टा डाल दिया था क्या? ऐसे डाल, इस ATM से मैंने निकाले 100 dirham। यादें बने रहेंगी, क्या जा हमारी की थी। हम मरीना से पहुंचे 7 किलोमीटर जाके 7 किलोमीटर रिटर्न में, आपको कैसा मतलब? मेरे को मरीना मॉल जाना है उसका ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो गोल्डन वाली बिल्डिंग है उसके सामने जो रोड निकल रहा है ये रोड है, यहाँ सर्कल से थोड़ा राइट मोड़ेंगे तो डायरेक्ट अबू धाबी बीच पे जाएंगे, और अबू धाबी बीच से आगे निकल जाएंगे तो मरीना मॉल के लिए आप जा सकते हैं। अभी देखेंगे इसका जो डिस्टेंस है 6.6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर है यहाँ से, अभी देखेंगे कैसा क्या कर सकते हैं हम। और रात को जहाँ मैं आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये आगे है, हम ढूंढ 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 के एक घंटे का वॉक लगा के जाने वाले, ये भाई के साथ इनको लिया है मेरे साथ क्योंकि मैं सुबह घूम के आया था, उनको भी लगा कि चलो घूमने चलते क्योंकि बैठ बैठ के टाइम नहीं जाता, इधर बैठ के टाइम नहीं जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से मुड़ के 2-3 किलोमीटर ऐसे 1.5-1.5-2 किलोमीटर पे पड़ेगा वो भी, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा मरीना मॉल। मरीना मॉल पहुँचने की कोशिश कर, हमें बीच तरफ जाने के लिए इस अंडरपास का यूज़ करना पड़ा, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अभी 10 मिनट ही हो गए आते हुए, हमें और 2-3-4 किलोमीटर चलना है, आते वक्त ये करेंगे टैक्सी। अंडरपास टू दिस साइड टॉयलेट्स कैसा चीपेस्ट बना हुआ है अंडरपास, ऐसा सिस्टम तो 5-स्टार होटल में भी नहीं होता, जबरदस्त वाला। बैटरी बहुत देर से उसमें रखी है लेकिन चार्जिंग का कोई तो प्रॉब्लम आ रहा है, आधी आधी ही बैटरी चार्ज हो रही है, पता नहीं क्या अड़चन है। बीच पे जो आए थे हम तो आप देख सकते हैं बीच पे एक्टिविटी चल रही है बहुत सारी, एक्टिविटी के लिए लोग यहाँ कितने दूर दूर से आ जाते हैं। अबू धाबी जो इतना अवैधव्य बीच है आप देख सकते हैं, यानी ये अंदर का हिस्सा है, और आगे जो देख रहे हो मैन मेड आइलैंड बनाया है उन्होंने, 5-स्टार होटल्स वगैरह वगैरह बने हैं, उसी के एक मॉल में हम जाने वाले, 2-3 किलोमीटर पर मॉल रहेगा मरीना मॉल। डाउन हो गया होने वाला, बहुत देर से ऊपर है, जो मरीना मॉल के लिए मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही वॉकिंग लगा है, जाते वक्त देखेंगे कि हम वो टैक्सी विक्सी पकड़ के जाए, एक्चुअल में गाड़ी में 5 या 10 मिनट का रोड है लेकिन हमें कम से कम 1.5 घंटा हुआ है हमें चलते वक्त, इतना ज़बरदस्त लाइटिंग लगा है। और ये जो आगे वाला आप रोड देख रहे हैं ना, उसी रोड से मेरे को वहाँ मुड़ना है राइट साइड में मरीना बीच के लिए, मरीना मॉल रहा व्यू पूरा सिटी का, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ से हम चल के मरीना मॉल के लिए आए इधर, अभी पता नहीं मेरा गोप्रो कितना काम करेगा। ये रहा मेन व्यू ऑफ अबू धाबी जो बीच का, अभी भी एक 10-15 मिनट के वॉक पे है, और जो आगे आप देख रहे हैं ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी वाली बिल्डिंग यहाँ से दिख। और ये रहा मरीना मॉल जहाँ मैं कुछ ख़रीदारी करने आया हूँ, सराब डीजी करके एक शॉप है, ये रहा पूरा मॉल के बाजू का नज़ारा, हमारा जो आगे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के यहाँ ये है, शायद ये यहाँ से दिख रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये रहा मॉल का एंट्रेंस, इस
मॉल में। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, जबरदस्त वाला, और जिसको देखने के लिए हम इतना देर से चलने का भागदौड़ी चल रहा था। ये है आई स्टाइल आई5 और ये रहा उनका स्टोर। आई वॉन्टेड टू 14 प्रो, द रेट ऑफ 14 प्रो, विच वन 14 प्रो, विच कलर एंड कैपेसिटी यू आर लुकिंग फॉर? ये तो इंटरनेशनल वारंटी के सब बहुत महंगा बैठ रहा है, 5, 8, 9, हाँ अडाप्टर, ये उसका प्राइस। और जो आईफोन स्टोर में हम आए थे उधर तो बात बनी नहीं, सारा मांजरा ख़राब हो गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइस बड़ी है वो 4799 इस पे वो दे रहा है लोकल लोगों को। और इसके बाद अगर आपको इंटरनेशनल वारंटी लेनी है तो इंटरनेशनल वारंटी के लिए ये फिर 799 जोड़ रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वारंटी हो जाएगा उसका। तो ये रहा पूरा मॉल का नज़ारा, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाया आईफोन, हो गई गड़बड़ मेरे साथ। आईफोन का प्राइस अभी पड़ रहा है 5500, यानी ये जा रहा है यहाँ 135 का। और यहाँ से हमें लेना है टैक्सी, पहले निकालना पड़ेगा इससे एटीएम से पैसा, एटीएम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कहीं एटीएम है उन्होंने बोला है पीछे, लेकिन क्या है सीन एटीएम का, पकड़ो पकड़ो क्या नहीं? हमारे यहाँ बाहर काटिए, सॉरी उल्टा डाल दिया था क्या? हाँ ऐसे डाल, उल्टा डाल दिया। यही पैर जो कोई हो ना कारण भी एटीएम की वीडियो बनाने बंद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं? ओ, नहीं नहीं फिर भी ये एटीएम काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ है दूसरा एटीएम है, ये ढूंढ के फिर एग्जिट गेट पे ही जाना है 20 दिरहम निकाल के। ये इस एटीएम से मैंने निकाले 100 दिरहम, और उस पर दिखा रहा है 70,000 दिरहम का पर्चा आया मेरे को। अभी देखना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे उन्होंने कितना डाला है ऊपर से, क्योंकि अलग कटता है। यहाँ पे सारी लूटमार चल रही है, टैक्सी का तो प्राइस एक दो मिनट में 100-200 से प्लस माइनस होता है, यानी कि सिंपल जाने के लिए भी आपको 500-600 रुपये चाहिए जेब में। और इस टैक्सी में बैठ के 20 दिरहम बोला है ये ड्राइवर। इस टैक्सी से हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो होटल है मेरा वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यू कैसा लगा? ऐसा लगा चलो ठीक है, यादें बनी रहेंगी। क्या जखमारी की थी को देखने को भी उल्टा पुल्टा लगता है डायरेक्ट, स्टेयरिंग भी उल्टा है उसका, सारा उल्टा ही है, लेकिन वो हम चलते नहीं ना कभी गाड़ी में, थोड़ा ये होता है अनफील होता है। और ये रहा टैक्सी फेयर, ये कितना जबरदस्त वाला सीन लग रहा है, आप देखो इस टाइप से। गया हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहीं से गया था। हाँ तो
देखेंगे बाद में क्या क्या है कैसे कैसे। अभी मूड बन गया। नहीं 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 मूड नहीं, ये बाहर वाला जो सीन होता है ना। अभी 10-15 मिनट सिर्फ और रुको, एक काम है यहाँ पे। चलो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इधर आईफोन का कुछ होगा फिर देखना। या सिर्फ मैं जितना भी एक्सप्लोर करना चाहता था उतना मैंने किया है। 7 किलोमीटर वॉक लगा के फिर टैक्सी में बैठ के। आज ज़्यादा खाने का मूड नहीं है, सिर्फ मेरे को मैगी खाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैगी खा के ही बचाना है मेरे को, सेविंग करना है। और हम मरीना से पहुँचे, 7 किलोमीटर जाके 7 किलोमीटर रिटर्न में। पैदल आपको कैसा लगा? पैदल। हाँ पैदल, पैसा बचा 20-20 दिन। 20 का है का? बस में चलो, एक ग्राम आलम है वो, लेकिन हम चलते गए थे कार के। ये मेरी दिन भर की जो दिनचर्या थी आपको कैसे लगी लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना। इस व्लॉग में मैंने आपको बताया कि अबू धाबी का मेरा जो सेकंड डे था वो कैसे गुजरा है। अभी मेरा पूरा खाने पीने का जुगाड़ होने के बाद मैं जाऊंगा सोने के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड खुजा टीवी टेम्बो। जय हिंद।